मैं समझता हूँ कि उन एक सुप्रीम कोर्ट के जज को बैठा करके इन सारे घोटालों पर जानी चाहिए। जो कुछ है रक्षा मुताबिक है चल रहा है वो अच्छा नहीं, इसको बंद करना चाहिए। इन मैल प्रैक्टिस इन करप्ट प्रैक्टिस विल नॉट स्पेयर एनीबॉडी, आई अश्योर यू। जहाँ तक जनरल लेफ्टिनेंट जनरल तेजेंद्र सिंह का सवाल है, हमारे कई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सरकार को कहा था एक डेढ़ साल पहले, छः महीने पहले, कि इनकी इनके ऊपर जांच होनी चाहिए। I had denied these allegations then and I deny them now. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सरकार और सेना प्रमुख के विवाद में आज कुछ और किरदार जुड़ गए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अंबिका बनर्जी, जनरल वीके सिंह के बाद बनने वाले चीफ लेफ्टिनेंट जनरल विक्रमजीत सिंह के उत्तराधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग, जज सेक्युलर के नेता कुमार स्वामी, HD देवेगौड़ा, पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल रामदॉस। एक स्तर पर संकट सुलझता लग रहा था तो दूसरे स्तर पर उलझने लगा। शुरुआत जनरल वीके सिंह के उस बयान से हुई जो उन्होंने जम्मू से जारी किया। बयान नहीं, चुनौती एक तरह से। जनरल सिंह ने कहा कि जिसने भी प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी लीक की है उसने राष्ट्रद्रोह का काम किया है, इसकी कड़ाई से जांच होनी चाहिए और मुझे बदनाम करने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। तो क्या जनरल से ने सच बोल दिया? तो क्या अब उंगली रक्षा मंत्री की तरफ उठेगी, रक्षा मंत्रालय की तरफ उठेगी कि लीक कहां से हुई? रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि खुफिया विभाग जांच करने लगा है कि किसका काम है ये। जाहिर है लीक का सवाल अब महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है। रिश्वत की जांच CBI और चिट्ठी लीक होने की जांच IB से। सेना के रिटायर्ड अफसरों की फौज जनरल के साथ खड़ी हो गई है। पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदॉस से ने कहा है कि इस तरह की चुनिंदा लीक रक्षा मंत्रालय की तरफ से होती रही है। इस खत को लीक करने से सिर्फ एक आदमी को फायदा हो रहा है, रक्षा मंत्री को, ताकि रिश्वत प्रकरण से ध्यान हट जाए। एडमिरल रामदॉस खुलकर जनरल के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा वीके सिंह को छोड़िए, कोई भी वर्दी वाला ऐसी हरकत करने की नहीं सोच सकता। लेकिन आज एक और बवाल सामने आ गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अंबिका बनर्जी की लिखी चिट्ठी, मई 2011 में उन्होंने लिखा था कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में खरीदारी में घोटाला हो रहा है। यह चिट्ठी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख को लिखी गई थी। सेना प्रमुख ने इस चिट्ठी को अपने स्तर पर CBI को भेज दी है। रक्षा मंत्री को मालूम भी नहीं है कि ऐसा फैसला हुआ है। इस पत्र में लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग पर आरोप लगाए गए हैं। लेफ्टिनेंट सुहाग जनरल वीके सिंह के बाद बनने वाले लेफ्टिनेंट जनरल विक्रमजीत सिंह के उत्तराधिकारी बताए जा रहे हैं, ध्यान रखिए। लेकिन रक्षा मंत्री ने आज बताया कि 22 मार्च को जनरल सिंह दलबीर सिंह को प्रमोट करने का प्रस्ताव भेजते हैं, इसी 22 मार्च को, और उसके बाद उनके खिलाफ CBI जांच की सिफारिश भी कर देते हैं। कौन सच बोल रहा है अब यह पता लोकपाल से चल सकता था, जो वजूद में ही नहीं है। तो क्या रक्षा मंत्री की इस बात पर यकीन करें कि दलबीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहने के बाद भी सेना प्रमुख ने पहल नहीं की? रक्षा मंत्री ने क्या किया इस सवाल पर, यह जवाब भी अधूरा है। क्या एक लड़ाई CBI में लड़ी जा रही है? इस लड़ाई में सुलह के रास्ते क्या हैं? क्या रक्षा मंत्री का यह बयान काफी है कि सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों को सरकार का भरोसा हासिल है? उन्होंने सीधे सीधे यह क्यों नहीं कहा कि जनरल वीके सिंह को सरकार का भरोसा हासिल है? जनरल के बारे में जनरल कमेंट, मगर रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि जनरल वीके सिंह को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। क्या सुलह की शुरुआत हो रही है? इस पचड़े में बेंगलोर से कुमार स्वामी साहब कूद गए, कह दिया कि जब उनके पिता HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे तो पिता पुत्र दोनों को दलालों ने रिश्वत की पेशकश की थी, बाद में देवेगौड़ा पलट गए, कुमार स्वामी शायद कायम। उधर दिल्ली की अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह के ने वीके सिंह के खिलाफ जो मानहानि की याचिका दायर की थी उसे स्वीकार कर लिया है। दूसरी तरफ टाटा वेक्ट्रा ग्रुप के चेयरमैन रविंद्र ऋषि ने जनरल वीके सिंह पर आरोप लगाया है कि वे दूसरी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी कंपनी की तरफ से रिश्वत की पेशकश नहीं हुई है और लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह उनकी कंपनी के लिए काम नहीं करते हैं। हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। ध्यान रखिए कि जनरल वीके सिंह ने अपने इंटरव्यू में तेजिंदर सिंह और टाटा का नाम नहीं लिया था। रक्षा मंत्री ने कहा था कि जनरल वीके सिंह ने तेजिंदर सिंह का नाम लिया था। देश की सुरक्षा का सवाल अब कई सवालों में घुसा दिया गया है। हम उन सवालों से निकलते हुए मुख्य सवाल पर पहुंचने की नाकाम कोशिश करेंगे आज प्राइम टाइम में। और हमारे साथ खास मेहमान है सुब्रमण्यम स्वामी, आप देख रहे हैं, अध्यक्ष जनता पार्टी, विनय कुमार पांडे, सांसद भारतीय कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड PN
हुन साहब हैं, आप चंडीगढ़ से हैं, भरत वर्मा एडिटर इंडियन डिफेंस रिव्यू, कर्नल आरएसएन सिंह पूर्व सैनिक सेना अधिकारी, और गौतम लाहिड़ी हैं, ब्यूरो चीफ हैं, प्रतिदिन बंगाली और तृणमूल कांग्रेस और बंगाल की राजनीति को इस बीच में घुसाने में और घुसने पर समझाने में हम ये जानना चाहते हैं कि लीक का सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण बना दिया गया है स्वामी जी, जिस तरह से आज जनरल ने भी जवाब दिया कि हमारे दफ्तर से नहीं किया गया। कल तक ये धारणा इस तरह से फैलाई जा रही थी कि चूंकि पब्लिक में जनरल वीके सिंह आ रहे हैं तो उन्हीं के दफ्तर की तरफ से ये कारगुजारी हुई होगी और राष्ट्रीय हितों से समझौता हुआ होगा। क्या उनकी ये उनका जो ये बयान है, जो एक सख्त बयान है कि उनके तरफ से ये लीक नहीं हुआ है, काफी है, इससे वो उभर कर बेदाग निकल कर आते हैं, या आईबी की जांच अब होगी जो सेना प्रमुख के दफ्तर और उन पर भी हाथ डालेगी? आईबी का तो ऑर्डर हो गया है, परंतु तो मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि वीके सिंह, जनरल वीके सिंह इसमें बिल्कुल दोषी नहीं है, और ये ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर हुई है और हो सकता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री से ही हुई है, और ये इस भूमिका में देखनी चाहिए और ये संदर्भ में देखनी चाहिए कि शुरू से वीके सिंह, जनरल वीके सिंह को बदनाम करने के लिए कई साजिश हो गए हैं, और इसको एक साजिश ही मानना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो मुद्दे उठाए हैं जनरल वीके सिंह ने, उस पर चर्चा ना हो, अब लीक किसने किया नहीं किया इस पर चर्चा बनाने की प्रयास की जा रही है। पर सिंह साहब, क्या ये अच्छा है कि एक तरफ से एक मामला जनरल सिंह की तरफ से सीबीआई को भेजा गया है, दूसरी तरफ से जो उन पर जो उन्होंने जो आरोप लगाए थे उसकी जांच का मामला रक्षा मंत्रालय की तरफ से सीबीआई को भेजा गया है, लीक का मामला आईबी जांच कर रही है, मतलब कई तरह की जांच एजेंसियां इस पूरे विवाद में जुट गई हैं, लग गई हैं इसमें, तो कुल मिलाकर ये न समझा जाए कि सेना प्रमुख का जो दफ्तर है, जो मुख्यालय है, वो भी एक तरह से कटघरे में है, अब उस पर आईबी छापा मारेगी, सीबीआई वाले सवाल जवाब करेंगे वहां। देखिए, ये बिल्कुल ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है। ठीक है, मेरे सवाल में भी कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, ये आपके सवाल में मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन तथ्य मैं अभी आप साफ कर देता हूं, क्लियर कीजिए। तथ्य ये है कि कार्रवाई का कोई उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया है ये जनरल दलबीर सिंह के खिलाफ। डू यू हैव द एनडीटीवी प्रॉफिट ऐप? ऑल द मार्केट्स, ऑल द न्यूज इन योर ओन होममेड रेडीमेड पोर्टफोलियो अवेलेबल देयर फॉर यू। We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app for the channel you trust.